आप देख सकते हो हम लोग घर के पास से निकल चुके हैं और ये रोड पकड़ के हम लोग जाएंगे। ओला कर चुका हूँ हम लोग, ओला से हम लोग जा रहे हैं हाजी अली की तरफ। साथ में सुबह सी एन जी लेने के लिए हम लोग पहुँचे सी एन जी जगह पे, तो सी एन जी सेंटर से हम लोग सी एन जी लेने के बाद यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते कितने अच्छे अच्छे हरियाली पेड़ है। बहुत अच्छे अच्छे हरियाली पेड़ है। थोड़ा लंबा लाइन है सी एन जी पे, हम लोग सी एन जी लेके अभी निकलने वाला है। तो दोस्त ट्रैफिक इतना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो कम से यहाँ से निकलने में एक आध दो घंटा लग सकता है, इतना ट्रैफिक है, लंबा ट्रैफिक हो चुका है। तो शायद हम लोग को निकलते निकलते सही समय भी जा सकता है। तो इससे अच्छा हम लोग हाजीअली जाने का जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा हाजीअली भी नहीं भी जा सकते, तो अक्सर बीच एक है वहाँ पे जा सकता हूँ थोड़ा। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, टाइम भी जा रहा है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी भी ट्रैफिक हटने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हम लोग बहुत इतना ट्रैफिक है मुंबई में हर जगह पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का रोड का काम चालू है दोनों साइड में, कभी कभी जगह पे मेट्रो का भी काम चालू है, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक है कि हम लोग को पहुँचते वक्त शायद टाइम ही और 2-3 घंटे लग जाए। हम लोग रुका यहाँ पे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, सामान लेने के लिए। अभी पहले से वेट कर रहा हूँ थोड़ा, मैं एक पिज़्ज़ा अपना आया है पिज़्ज़ा वेट लेने के लिए, तो पहले से हम लोग वेट कर रहे हैं, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे चुका हूँ। तो मेरा गाड़ी बाहर खड़ा है, बस पिज़्ज़ा लेके हम लोग निकलने वाले हैं पहुँच कर। अभी पिज़्ज़ा ले चुका है, गाड़ी में वेट कर रहा है। इतने अच्छे जगह है यहाँ पे, हरियाली भरी है और तो और पहाड़ी भी है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ट्रैफिक तो अभी भी लगा हुआ है लेकिन जगह बहुत अच्छा है। क्या हम लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं अभी, मतलब रास्ता है थोड़ा चढ़ान है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है। तो मुंबई में मेट्रो की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक और ज़्यादा लगा हुआ है, यहाँ पे मेट्रो भी बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण इतना ट्रैफिक है कि हम लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए। क्योंकि हम लोग निकला था सुबह के 10:30 समथिंग निकला था, पर अभी टाइम हो गया 3 बज गया, तो इतना टाइम गया हम लोग को पहुँचते पहुँचते, तो अभी ये ट्रैफिक हमेशा रहते हैं मुंबई के अंदर। ये देखो मेट्रो चालू है यहाँ पे, कुछ लाइन चालू है कुछ लाइन बंद भी है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा मुंबई का मेट्रो यहाँ पे चालू है, कुछ कुछ जगह पे अभी बनाना बाकी है। आगे देख सकते हो कुछ जगह पे अभी बनाना बाकी है और कुछ जगह पे अभी तक चालू है। और हम लोग अभी मुंबई में कुछ और आधा से 1 घंटे लगेगा, अगर ट्रैफिक नहीं लगा तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे अपने जगह में। और साथ में तो सब हमजन है। ये शायद सो गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी टाइम से हम लोग ट्रैवल कर ही जा रहे हैं, तो सब थके हुए अभी तक, तो हम लोग मैं भी थके हुआ ज़्यादा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी बस समुद्र के बीच में लेके आया जो जूही चिपटी से
ज़्यादा भीड़ और गर्दी होता है, और जगह भी बहुत मस्त है और अच्छा भी है। तो आप लोगों को थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ, घुमा देते दिखा देते। ये देखो समुंदर में किस तरह से ये लोग नहा रहा है और किस तरह का समुंदर का पानी का मजा ले रहा है। आप देख सकते हो नीचे में पानी आ जा रहा है, हम लोग तो पीछे भाग ही जा रहे हैं भाई। आप जहाँ से भी दूर दूर से अभी देखोगे ना, वहाँ पे पूरा के पूरा दुकान है, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे तो जंगल है, जंगल एरिया है, यहाँ पे कपल है, सब कुछ है, हर कोई यहाँ पे आया है, यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे समुंदर से भी गाड़ी मुंबई शहर में आओगे ना, इस तरह से इतना बड़े बड़े बिल्डिंग आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े बिल्डिंग, रास्ता, सड़कें, और यहाँ पे मेट्रो का लाइन है, मेट्रो भी आपको दिखेगा। तो मुंबई में आप जैसे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे मेट्रो स्टेशन दिखने को मिल जाएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखने को मिलेगा।